तो G20 के लिए भारत के साथ साथ दिल्ली, जी हाँ, नई दिल्ली दिखाई दे रही है। चारों तरफ से जगमग रोशनी, चाहे कितनी भी मीनारे हो, लाइट से जगमगा रही है। ये दिल्ली कुछ अलग लग रही है भाई, हो भी क्यों ना, G20 के लिए दिल्ली तैयार जो है, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली के लोगों में एक डर बैठा हुआ है। हालांकि डर को हम खत्म करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हमने कल भी वीडियो के जरिए आपको बताया कि 8 से 10 तक दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। कुछ चीजें हो सकती हैं कि बदली जाएं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम आसानी से समझा सकते हैं कि इन 3 दिनों के लिए दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, कौन कौन से मेहमान रहने वाले हैं और कहां कहां ठहरने वाले हैं, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। युद्ध स्तर की जो तैयारियां हैं वो दिल्ली में देखी जा रही हैं। कुछ पाबंदियां भी हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली की सड़कों पर अभी जाकर देखेंगे तो आप देखकर कहेंगे, वाह, क्या ये वही दिल्ली है जहां हम रहते हैं। लेकिन ये सच है, दिल्ली बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे में मेहमान नवाजी कैसे कम हो सकती है? मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह से दिल्ली तैयार है, जहां एक तरफ शाही तैयारियां हैं और जो भारत की संस्कृति है वो अलग अलग तरीके से दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ शाही खाना भी परोसा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की पहचान अपनी संस्कृति को लेकर है। अब यहाँ मेहमानों को भगवान के रूप में सादर सत्कार किया जाता है और ऐसा पहली बार है जब भारत में इस तरह का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो भारत में इस तरह का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो चलिए आपकी उत्सुकता को भी खत्म कर देते हैं। आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो किस होटल में रुकने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे 5 सितारा होटल हैं जहां पर आपको एकदम शाही सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो फटाफट से आपको बता देते हैं कि किस होटल का कौन सा मेहमान होने जा रहा है। फूमियो किदिशा, जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री। जो बाइडन, अमेरिका के राष्ट्रपति। जोको विडोडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। एंथोनी अल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। सिरिल रामफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। एम्यूनल मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। ओलाफ स्कोल्स, जर्मनी के चांसलर। रेसेप तैयब एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति। यूसुक योल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है बड़े बड़े देशों के, जिनको लेकर खास तैयारी भारत ने कर ली है। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आप समझ भी गए होंगे कि कौन सा मेहमान कौन से होटल में रुकने वाला है। यानी ये 2 दिन जो है वो भारत के लिए बहुत बड़े होने जा रहे हैं। हम कामना करते हैं कि ये जो G20 है वो भारत के लिए बहुत सारी कामयाबी लेकर आए और भारत के लिए और ज़्यादा उपलब्धियाँ लेकर आए। तो ऐसे वीडियो के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।